गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.2। इट इज बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो विल स्टार्ट, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट मेथड इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। सेकंड मेथड इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थर्ड मेथड इज बाय पार्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्स। वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट वी विल डिस्कस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूट, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। है ना, यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स फंक्शन है, एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो वो वहां पे ऐसा होगा कि उसका जैसे हमारे पास यू अपॉन वी होता था डेरिवेटिव में, हम लगा लेते थे कोशेंट रूल, है ना, यू डैश इंटू वी और वो सब हम लगा लेते थे, है ना, जो भी था यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स नॉट, वी कैन नॉट यूज देयर कोशेंट रूल। तो उससे बचने के लिए, उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या, हमने नया हमें क्या मिला, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट में क्या है, यहाँ पे जैसे एक्स है वेरिएबल जो डी एक्स है, एक्स को हम चेंज करेंगे इंटू टी और डी एक्स को चेंज कर देंगे इंटू डी टी में, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैं आपको साथ साथ फॉर्मूला बताता हूं और साथ साथ ही आपको सब्स्टिट्यूशन का पता चल जाएगा भी ये है क्या एक्चुअल में। जैसे लेट अस सपोज सबसे पहले मैंने हमें सीखना है टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स है, यहां पे इसका डेरिवेटिव सीखना है। मैं पहले आपको बता दू इसका इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है इसकी, देखो माइनस लॉग कॉस एक्स ये भी लिख सकते हैं प्लस सी, और यू कैन राइट हियर लॉग सेक एक्स सीकेंड एक्स, है ना, जिसको सीकेंड बोलते हैं, शॉर्ट में हम सेक बोल देते हैं, सीकेंड एक्स प्लस सी, ये दोनों हो सकते हैं ना। और ये वैसे इसी का ही रूप है, अभी मैं बताऊंगा आपको ये कैसे आए, है ना। तो इस एक तो हम यहां पे ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करना, सॉरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना, और दूसरा इनकी इंटीग्रेशन, है ना। पहले हमने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले, मैंने पहले वाले वीडियो में 10 इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले बताए थे, और अब उससे कुछ जैसे जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे नए फॉर्मूले आते रहेंगे, आपने ध्यान में रखने हैं। इसका डेरिवेटिव बता रहा हूं, ये कैसा डेरिवेशन भी बता रहे हैं कि कैसे आएगा, है ना, डेरिवेशन इसका। नाउ मैंने इसको वी हैव रिटन दिस एज लाइक दिस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख दिया, है ना, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, अब आपने डिनोमिनेटर वाले को ही हमेशा पुट करना है, मोस्टली हम किसको मोस्टली, इसमें ऐसा होता है ना कि आपको ना जैसे जैसे हम करते रहेंगे आपको पता चलेगा कि क्यों हमने इसको पुट किया, है ना, कॉस एक्स को क्यों पुट किया। देखो इधर पहला स्टेप ये है कि आप चूज कर लो, मोस्टली हम नीचे वाले को इस ऐसे केस में निचले वाले को हम क्या कर लेते हैं, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या है, टी। अब सेकंड स्टेप में जब पुट किया तो उसके बाद आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो यहां पे वेरिएबल गिवन है। तो नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, देखो यहां, सॉरी मैं आपको बताता हूं ये कैसे लिखना है, साइन एक्स हो गया कॉस एक्स का इज इक्वल टू, अब टी का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, डी टी बाय डी एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए साइन एक्स और डी एक्स की ऊपर वाली की, है ना, तो यहां पे माइनस नहीं है वहां पे, तो माइनस को हम उतर लेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। नाउ अब इसमें पुट करना था मैंने, ये इक्वेशन क्या आ गई, है ना, ये क्या आ जाएगा इसके बाद साथ के, साइन एक्स इंटू डी एक्स इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस डी टी अपॉन नीचे क्या था कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या पुट किया टी। अब देखो ना इधर ऊपर भी डी टी होगा नीचे भी टी होगा, इससे हमें यह पता चलता है कि हम इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, यहां पे क्या आ गया टी आ गया, डी टी आ गया, यहां पे क्या आ रहा है टी आ रहा है, तो नाउ व्हाट विल बी देयर,
वन अपॉन टी है ना, माइनस बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे क्या रह गया, वन अपॉन टी इंटू डी टी रह गया। और इसका क्या होता है, वन अपॉन टी का क्या इंटीग्रेशन हमने पहले में पढ़ा था ना, क्या होता है लॉग टी, ठीक है ना, ये एंटी प्रोसेस है। वैसे भी देखो ना लॉग टी का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग टी प्लस सी, सी लगाना तो भूलना नहीं है ना, तो नाउ व्हाट विल बी देयर लॉग, और ये साथ में माइनस भी था यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस लॉग टी, टी की जगह पे क्या आ गया था हमारा कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स प्लस सी। अब दूसरी बात कि ये बन गया यहां तक, अब ये कैसे आएगा लॉग सेकेंड एक्स, ये देखो ये बिल्कुल आसान है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि लॉग है यहाँ पे लॉग एक्स स्केयर है, तो ये पावर आगे आ जाती है, वी कैन राइट लाइक दिस वे इसको, ये हमने चैप्टर में मैंने बताया था आपको, टू आगे आ जाएगा लॉग एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज ये क्या है माइनस वन, इसकी पावर माइनस में है तो पावर हम ऊपर लिख सकते हैं, इसकी मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस वन, तो हम इसकी पावर लिख सकते हैं ना, व्हाट यू कैन राइट टू दिस लॉग कॉस एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी। अब इसको कैसे लिख लोगे आप, यू कैन राइट दिस लॉग कॉस एक्स है वन अपॉन कॉस एक्स, को क्या लिख लोगे, ये पावर माइनस वन है ना, तो ये क्या हो जाएगा नीचे कॉस एक्स नीचे आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस वन है बेटा पावर, तो वो नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जब हमने पढ़ा सेवंथ क्लास में प्लस सी। अब इसको वन अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो साइन को, व्हाट यू कैन राइट दिस सेकंड एक्स, ये किसके इक्वल होता है सेकंड एक्स के, तो यहाँ पे क्या आ गया सेकंड एक्स प्लस सी, तो ये बन गया हमारा टेन एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू दिस। अब यहीं पे एक और बता रहा हूं मैं आपको, अब ये टेन एक्स का था, अब मान लो मैंने बताना आपको कॉट एक्स का, इसका कॉट एक्स का, कॉट एक्स का देखिए, एक इसके बाद मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल कि कैसे होता है ये ना, लाओ इसे यहां पे क्या है सपोज कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स डी एक्स, अब इसका क्या पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी ना, कैसे पता चलेगा, देखो मैं अभी बता रहा हूं आपको, पहले एक बार और ये फॉर्मूला हम करें, देखो हमने इसको क्या लिखा कॉट एक्स का डायरेक्ट, तो हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता, मतलब ये बाद में हम ड्राइव, ये ड्राइव बता रहा हूं कैसे आया ना, तो कॉट एक्स ये आया कैसे ना, कहां से आया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स किसके इक्वल होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर अब देखो आपको क्या लग रहा है कि देखो इधर देखो, जब नीचे वाले का, जब नीचे वाले का ऊपर क्या पड़ा हो डेरिवेटिव, जब नीचे वाले का ऊपर क्या पड़ा हो डेरिवेटिव, तो हम इसको मानेंगे साइन एक्स को ही, इसको मानना है आपने साइन एक्स को, ये आप धीरे धीरे सीखोगे, साइन एक्स को क्या मानोगे टी, क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है ना, देखो सबपुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूशन ये तो सीख लेनी है कि जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो यू विल राइट डिनोमिनेटर को आप मान लोगे लेट टी है ना, तो नाउ व्हाट विल बी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सेकंड स्टेप ये था दोनों तरफ क्या करो डेरिवेटिव कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, आगे जाके हम सीधा यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया करेंगे क्योंकि हरेक क्वेश्चन में जैसे ही आएगा ना, तो नाउ व्हाट विल बी दिस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बन गया हमारे पास नाउ। अब इसका क्या बन गया बेटा देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या है डी टी, इसकी जगह पे क्या लिख दो डी टी, और नीचे साइन एक्स को क्या बनता हमने टी, ये आ गया इज इक्वल टू, अब देखो ये अब क्या बन गया ये है ना, नाउ वन अपॉन टी है, वन अपॉन टी का क्या हो जाएगा लॉग टी, तो ये क्या हो गया लॉग टी प्लस सी, नाउ व्हाट यू कैन राइट फॉर लॉग टी, ये क्या था लॉग टी की जगह पे क्या लिख दो साइन एक्स प्लस सी, ये बन गया इसका, यही फॉर्मूला था है ना। अब सुनो इसका एक अगर इसके पीछे राज क्या है ना, इसके पीछे आपने ये याद रखना है अगर डिनोमिनेटर का ऊपर न्यूमिनेटर में मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो वो सीधा क्या आ जाएगा उसके साथ लॉग लग जाएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग साइन एक्स, जैसे इसका साइन एक्स के ऊपर पड़ा था तो ये क्या बन गया लॉग साइन एक्स। अब मान लो यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऊपर क्या है टू एक्स है ना, ऊपर क्या है टू एक्स, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा नीचे डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर का टू एक्स,
तो प्लस टू का क्या होगा जीरो, तो टू एक्स डेरिवेटिव आएगा ना, अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या आएगा 2x ही आएगा, तो इसका डायरेक्ट फिर आंसर क्या आ जाएगा करेगा log x स्क्वायर प्लस 2, नीचे वाले का क्या हो जाएगा प्लस c, नीचे वाले का क्या हो जाएगा log, बस वो उसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कैसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो मैंने आपको बता ही दिया यहां पे कैसे आया ना, तो ये केस में यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, इसका ऊपर क्या पड़ा था डेरिवेटिव, उस केस में जहां पे निचले वाले का ऊपर क्या पड़ा है डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम निचले वाले का क्या लिख दें सीधा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर तो आता है एक दो नंबर का तो हमें ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा, इसमें ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या मान लोगे आप टी मान लोगे, उसके बाद 2x * dx = क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, फिर हम आगे करते रहेंगे है ना, और डायरेक्ट कई समझे हम आगे अगर हम जैसे जैसे इंटीग्रेशन में करते रहेंगे आगे आगे, तो हम इसको डायरेक्ट यूज किया करेंगे ना, ये याद रखना, तो ये थे दो फॉर्मूले इसके, नेक्स्ट टू करेंगे अभी नाउ सी नेक्स्ट, ये दो फॉर्मूले हो रहा है sec x into dx है ना, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है जी log secant x प्लस tan x प्लस c है ना, ये होता है इसका, ये कैसे होता है, ये कैसे आएगा, मान लो सिंपल ये इंटीग्रेशन आ गई हमें, ये क्या है यहाँ पे सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट है एक्स इंटू डी एक्स है ना, ये था इसकी इंटीग्रेशन, ये कैसे होती है ये हमें प्रूव करना है, हाउ यू प्रूव दिस नाउ देखो, अब मेरे माइंड में आया यदि आपने तो इसमें कॉट वाले में तो कॉस अपॉन साइन लिख लिया था, इसको वन अपॉन कॉस लिख लोगे फिर आगे चलता रहेगा पता नहीं चलेगा हमें, अब मैंने सोचा कि यहाँ पे sec x प्लस tan x है, क्योंकि ना इसको यूज करें, इसको कैसे यूज किया हमने क्या व्हाट वी विल डू, अब हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया इसको secant x प्लस tan x के साथ, अब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा है ना, ये तो क्या हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी, तो sec x प्लस tan x ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये तो रह जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया इंटू क्या है dx, अब देखो अब हम इसको पुट कर लेंगे डिनोमिनेटर को, क्योंकि मुझे साफ पता लग रहा है कि ऊपर इसका क्या पड़ा है डेरिवेटिव, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको खुद पर खुद पता चलता रहेगा, अब देखो पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू पुट sec x इंटू tan x इज इक्वल टू टी अब इसका sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का क्या होता है secant स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाय dx, अब इसमें से मैंने कॉमन निकाल दिया बट वी कैन टेक कॉमन sec x secant x कॉमन निकाल दिया, तो यहां पे क्या आ गया tan x प्लस secant x, अब dx यहां पे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू dt आ गया ये हमारे पास है ये वाली चीज है ये चीज आ गई, अब देखो अब इसमें पुट करना ना, मैं यहां पे पुट करके दिखा दूंगा आपको ये क्या आ जाएगा, देखो पहला स्टेप ये होता है इसको पुट करो, उसके बाद क्या होता है यू हैव टू मेक इट्स डेरिवेटिव करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे, अब देखो sec x प्लस tan x इनटू dx ये सारा किसके बराबर है dt के, तो नाउ व्हाट वी विल राइट हियर dt अपॉन ये क्या है sec x प्लस tan x इज इक्वल टू क्या है t, तो नीचे हमने क्या लिख दिया t, सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा देखो सिंपल ये क्या हो जाएगा log t प्लस c log t प्लस c 1 अपॉन t का क्या होता है log t है इंटीग्रेशन, सो नाउ व्हाट विल बी देयर log t की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा secant x प्लस tan x प्लस c, तो ये डेरिवेटिव बताया था मैंने ये डेरिवेटिव होता है इसका ये आ गया इसका, अब ये देखो नेक्स्ट इसका तो cosecant x into dx इसका क्या होता है log cosecant x minus cot x प्लस C, अब ये कैसे होता है ना ये कैसे होता है ये सीखेंगे अब हम ये मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा ये देखो ये बिल्कुल वैसे ही करेंगे देखो इधर मैंने क्या किया यहां पे क्या था cosec x cosec x ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे देखो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे हालांकि वहां पे ना cosec x माइनस cot x है प्लस से भी आएगा देखो मैं बताता हूँ कैसे फिर लेकिन वहां पे क्या आना था माइनस cosec x प्लस cot x
यहां पे ये कर दिया, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसी के साथ क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। देखो जब हम डेरिवेशन करते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा भी हम कर क्या रहे हैं, है ना, कर क्या रहे हैं। तो यहां पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स था, लेकिन हमने क्या किया कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स के साथ क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई यानी डिवाइड कर दिया। अब देखो अब मैंने पुट किया इसको, किसको पुट, इधर करके दिखाता हूं, पुट कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इजिकल टू टी, इजिकल टू टी पुट कर दिया। अब इसका क्या आ गया डेरिवेटिव, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं हम डेरिवेटिव, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू टी का क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कोसेक एक्स क्या निकाल देंगे कॉमन कोसेक एक्स, है ना, तो यहां पे क्या बचेगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, यहां पे क्या बच गया कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो मेरे को ये चाहिए था कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, तो मैंने ये माइनस उधर ले गया, माइनस उधर ले गया, तो ये क्या बन जाएगा कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स, है ना, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये क्या बन गया इंटू माइनस डी टी, इसकी वैल्यू ये आ गई है ना। नाउ विल पुट इन दिस जिसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या आएगा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स इट विल बिकम इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो यहां पे क्या आ गया माइनस डी टी अपॉन ये किसके इक्वल था दिस इज इक्वल टू टी, यहां पे क्या आ गया टी आ गया, है ना। नाउ तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये वन अपॉन टी का फिर बेटा क्या आ जाएगा लॉग टी, है ना, क्या आ जाएगा लॉग टी। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे और करनी है, ना तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग टी प्लस सी, है ना। अब देखो ध्यान से माइनस का तो माइनस ऐसे ही रह गया लॉग टी, टी मैंने क्या पुट किया था टी कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये भी लिख सकते थे इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन सॉरी, लेकिन देखो मैंने पहले जैसे पहले का बताया था मैंने उसका टेन एक्स का, ना उसके लिए जैसे वैसे वहां पे हमने माइनस वन को चेंज कर दिया था, यहां पे भी हम चेंज करेंगे, है ना, कैसे हमें वो लेके आना है मान लो, है ना। अब क्या करोगे नाउ व्हाट वी कैन डू, सुनो ध्यान से, माइनस को मैंने यहीं पे रहने दिया माइनस लॉग यहां पे इसको रैशनलाइज कर दिया हमने कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू क्या कर दिया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के साथ मल्टीप्लाई, मतलब रैशनलाइज कैसे कर दिया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई नीचे दोनों के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इसके बीच में प्लस सी तो चल ही रहा है साथ में। अब ऊपर क्या हो जाएगा देखो बेटा यहां पे कर रहा हूं मैं माइनस लॉग नाउ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर क्या हो जाएगा कोसेकेंट एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस कॉट स्क्वेयर एक्स अपॉन अपॉन में क्या है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ध्यान से देखो इसको ऊपर क्या बन जाएगा ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, है ना, टेंथ क्लास में हमने पढ़ी है कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस कॉट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वन, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट वन, तो ये क्या आ जाएगा माइनस देखो माइनस लॉग वन अपॉन कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स ये आ जाएगा अपॉन में, प्लस सी तो चल ही रहा था। अब ये फिर पहले वाली कंसेप्ट, ये माइनस है ये माइनस पावर हम यहां पे लिख देंगे माइनस वन, ये माइनस वन जब बेटा हमने यहां पे लिख दिया तो अब ये क्या हो जाएगा इसकी पावर माइनस वन होगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा बिल्कुल यही बन जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो मैंने माइनस यहां से हटाया, यहां पे माइनस यहां से हटा के यहां के ऊपर ले गया, क्योंकि लॉग का ये रूल होता है एम लॉग अगर एक्स है तो एम उसकी पावर चली जाएगी एक्स की, है ना, तो ये पावर माइनस वन थी यहां पर चली गई।
अब ये इसको क्या लिख दूंगा, माइनस वन है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए अंदर क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। ये होता है ना, ये रूल हमने पढ़ा है, 7/8 है ना, माइनस वन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/7, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, है ना, ये याद रखना है। तो ये हमारे पास बन गया लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये चार बेसिक 10 फॉर्मूले हमने पहले किए थे, तो चार समझ लो ये और ऐड हो गए, 14 फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं जो आपने लर्न करने हैं। ये थे इनके डेरिवेशन, लेकिन वहां पे आप पेपर करोगे तो वहां पे आपको डेरिवेशन नहीं, आपको तो सीधा ये आना चाहिए कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है, ये आपको आना चाहिए।